सभी प्रोग्राम अधिकारियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की छोटी सी कार्यशाला जो है इस विषय पर रखी गई है कि कैसे हम मेरा माटी मेरा देश पोर्टल के अंदर जो हम रजिस्ट्रेशन वॉलंटियर्स का करवा रहे हैं या फिर प्रोग्राम अधिकारियों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उस रजिस्टर किए हुए डाटा को कैसे हम एक्सेल शीट के माध्यम से दोबारा अपने मोबाइल फ़ोन या अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक्सेल शीट या पीडीएफ के अंदर डाउनलोड या सेव करने के लिए डाटा को जो स्टेप्स फॉलो किए जाने हैं उसके बारे में आज की कार्यशाला जो है वो रखी गई है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम अधिकारी ने जो है ईमेल आईडी और पासवर्ड कंसर्न जो है उसके माध्यम से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है आपके पास इस प्रकार का डाटा दिखाई देगा। इसमें आपने जो है मोर इन्फो ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपके पास विभिन्न वॉलंटियर्स का डाटा इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। आपने इस डाटा को देखने के बाद जो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन दिख रहे हैं जैसे कि सीएसवी, पीडीएफ, एक्सेल, अगर आपने पीडीएफ के अंदर डाटा डाउनलोड करना तो पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, और अगर आपने एक्सेल शीट के माध्यम से डाटा को सेव या डाउनलोड करना है, इस रजिस्टर किए हुए डाटा को सेव या डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आप जो है एक्सेल बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि मुझे एक्सेल शीट के अंदर डाटा डाउनलोड या सेव करना है तो मैं एक्सेल शीट या एक्सेल बटन पे जो है मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। तो एक्सेल बटन पे क्लिक करते ही मुझे ये सेविंग का ऑप्शन देगा और यहाँ पर मैं इसका कोई फाइल का नाम देकर डाटा को सेव कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से देखिए डाटा जो है इस नाम से सेव हो गया, और जब अगर मैं इसको क्लिक करके ओपन करता हूँ तो मेरे पास ऐसी शीट जो है एक्सेल शीट की एक बनी बनाई दिखाई देगी। तो ये शीट जो है हमारे पास आगे भविष्य में कुछ निर्धारित कार्यक्रमों या कुछ अन्य कार्यों के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। इस प्रकार से हम इस डाटा को अपने पास सहेज कर भी रख सकते हैं।